हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने आया हूँ, जिसका नाम है विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये एनबीएफसी के यानी एनबीएफसी सेक्टर का कंपनी है, तो इसके बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। इसका मार्केट कैप 49.6 करोड़ का, करेंट प्राइस 0.85 पैसा, 52 वीक का हाई लो 1.39 रुपया और 66 पैसा है, स्टॉप पी 6.94 है, आरओसी 4.32 है। उतना अच्छा नहीं है, फिर भी ठीक है। बुक वैल्यू 1.13 रुपया है, बुक वैल्यू से कम रुपए पर ये शेयर ट्रेड कर रही है। आरओई 3.47% का है, डिविडेंड कुछ भी पे नहीं कर रही है और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। वन ईयर का प्राइस चार्ट काफ़ी अप एंड डाउन है, जो कि मिनिमम 68 पैसा 26 अक्टूबर 2023 को और मैक्सिमम 1.33 रुपया इसमें बता रहा है। प्रोज 2 है और कॉन्स 5। प्रोज है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.75 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, और दूसरा है कंपनी हैज डिलीवरेड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 112% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और कॉन्स 5 है, जिसमें कि पहला है थॉ द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड पे नहीं कर रही है और प्रॉफिट रिपीटेड दिखा रही है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी लो है, जो कि 5.95% का है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न्स ऑन इक्विटी ऑफ 1.93% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स में रिटर्न ऑन इक्विटी है आरओई 1.93%। अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम 3.66 करोड़ का। और पांचवा है, वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 60.0 डेज टू 114 डेज, यानी कि 114 दिन। पीयर कंपैरिजन इस प्रकार है, जिसमें कि 8वें नंबर पे विसागर फाइनेंस आता है। क्वार्टरली रिजल्ट में दिसंबर 2023 का सेल्स तो बढ़ा है पिछले क्वार्टर के अपेक्षा, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ गया, जिसके कारण इसका रिजल्ट माइनस में आया है। ईपीएस माइनस में है 1 पैसा। लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो ये तो प्रॉफिट में है, इसमें 13 पैसा ईपीएस है। बैलेंस शीट देखते हैं तो इक्विटी कैपिटल 58 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 7 करोड़ का, ब्रोइंग 18 करोड़ का, अदर लाइबिलिटीज 2 करोड़ का है, फिक्स्ड एसेट 1 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट है 13 करोड़ का, टोटल एसेट इसके पास 86 करोड़ का हो चुका है, कैश फ्लो प्लस में है मार्च 2023 में 1 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास में, जैसा कि ऊपर मैं बता चुका हूँ, 5.95% है। बाकी ये बात पब्लिक के पास में, जो कि 94.04% इसमें शो हो रहा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि इनमें इन्वेस्टर 1,24,688 है,
जो कि मार्च 2021 में 2814 ही था, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इस कंपनी के प्रति रुझान इन्वेस्टरों में। ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी बात रिजल्ट माइनस में है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड BSE की वेबसाइट पे 85 पैसा इसका शेयर प्राइस शो हो रहा है लास्ट 16 फरवरी 2024 के अनुसार 1600 बजे। इससे पहले एक आवश्यक सूचना, मैं वीडियो बनाता हूँ नॉलेज पर्पस, इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। तो BSE पर देखते हैं, इसका अनाउंसमेंट कुछ खास नहीं है, 16/2/2024 को है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं डिलीवरी पोजीशन 16 फरवरी 2024 का 1600 बजे का, तो क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 25,55,749, डिलीवरी में टोटल उठाया गया है, यानी कि डिलीवरी पोजीशन 100% है। तो ज़रूर ही इसमें अब ट्रेंड बनने की उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। तो इसी पर धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।